हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीके ट्यूटोरियल। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कंट्रोल सिस्टम के ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज को हम लोगों ने पढ़ा बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में। उम्मीद करते हैं आपने ये लेक्चर्स को कम्प्लीटली देख लिया होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। क्या होता है ट्रांसफ़र फंक्शन? और देखिए, आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा आप सभी को डेफिनेशंस वगैरह बताने का, ताकि आप लोग इजी वे में समझ सकें चीज़ों को। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। और ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान मैं रखना चाहता हूं कि मैं पढ़ाऊं वही जो हो आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। तो क्लासेस को पूरा कंटिन्यू करने से पहले आप लोग फटाफट से बता देंगे ऑडियो वीडियो वगैरह क्लियर है या नहीं है, और जो भी डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, वो आप लोग जो है बेसिकली पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख करके। तो चलिए अब हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट, तो मैंने चेक कर लिया है, लगभग मैं आई थिंक ऑडियो भी क्लियर है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ऑडियो वगैरह सब क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, और सभी कुछ आप सभी को विजिबल है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन का, तो ये सिंपल में होता है रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं, रुकिए पेन का कलर मैं कर लेता हूँ येल्लो ताकि आप सभी को दिखे अच्छे से। इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। जैसे सपोज दैट हम लोगों के पास एक सिस्टम है जो कि जिसका हम लोग नाम दे देते हैं इस सिस्टम का, सिंपल सा आसान भाषा में जीएस एक सिस्टम है। ठीक है, और इसमें हम लोग इनपुट दे रहे हैं, मान के चलते हैं आरएस। क्या आउटपुट दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं आरएस, और आउटपुट जो रिलीज होता है वो होता है सीएस। क्या आउटपुट रिलीज हो रहा है? CS। अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन को लिखूंगा, यानी कि GS इज इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा, या इसको मैं ट्रांसफर फंक्शन बोल देता हूं इन शॉर्ट, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, तो आप इसको बोल सकते हैं आउटपुट बाय इनपुट। यानी कि यहां पर जब आउटपुट बाय इनपुट की बात होगा तो सिंपल में हम लोग आसान भाषा में तो CS बाय RS लिख लेंगे, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होगा। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस कह सकते हैं, सिंपल सा बेसिक सा ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन इसका जब हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। वेट ए मिनट, ये ठीक से ब्लॉक इसका बना नहीं जैसा मैं सोच रहा था बनाने के लिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोगों का सीधा बात ट्रांसफर फंक्शंस का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बन गया, एक इक्वेशंस बन गया। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे चीजों को। अगर हम लोग इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे जी एस इज इक्वल टू सिंपल में क्या हो जाएगा, सी एस बाय में हो जाएगा हम लोगों का क्या, आर एस। और इसको हम लोग लिखेंगे अगर तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग एल लिखते हैं इस तरह से, और सी टी, और बाय में क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर और टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये अभी जो है एस जो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, टाइम डोमेन में हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, तो ये हम लोगों का सिंपल सा बेसिक सा आसान भाषा में ये चीजें समझने को आप सभी को मिल गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम के बारे में। ट्रांसफर फंक्शंस के ही बेसिस पे हम लोग जो है सिस्टम को अलग अलग बेसिकली सिचुएशंस वाला सिस्टम को समझ सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग पहचानेंगे, स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शंस कौन होगा, और बेसिकली सिंपल में प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कौन होगा और इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शंस कौन होगा, इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग अगला स्लाइड में मूव करेंगे, थोड़ा सा मैं अभी आप सभी को अच्छे से चीजों को समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा एक एक इन्फॉर्मेशन को।
ओके आप सभी लोग। तो यहां पर जो है बेसिकली अगर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मान के चलिए कि जीएस जो है ये एक बेसिकली आपका ट्रांसफर फंक्शंस का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग बोल देते हैं सी एस बाय में हो जाता है आर एस। और मान के चलिए कोई भी ट्रांसफर फंक्शंस के इक्वेशंस को हम लोग पहले क्या लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर कोई भी जो हम लोगों का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि इस तरह से बी एम बी एम एस टू दी पावर एम, वेट ए मिनट, इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एस टू दी पावर एम प्लस में होगा बी एम माइनस वन और बी एम माइनस वन एस टू दी पावर एम एम माइनस वन, फिर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से प्लस, फिर बी वन एस और प्लस बी टू बी नॉट। इस तरह से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और डिनोमिनेटर में ए एन टू द पावर एस एन, फिर प्लस में ए एन माइनस वन और क्या हो जाएगा एस एन टू द पावर माइनस वन, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा ए वन एस और प्लस में ए नॉट, ठीक है। यहां तक तो क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब तीन सिचुएशंस है ट्रांसफर फंक्शंस के इक्वेशंस का कि वो कब जो है स्ट्रिक्टली प्रॉपर होगा, स्ट्रिक्टली प्रॉपर स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कब कहलाएगा। दूसरा दूसरा जो बात है वो सिंपल में प्रॉपर कब कहलाएगा, प्रॉपर। और तीसरा जो कंडीशन है उसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तीन कंडीशन होता है ट्रांसफर फंक्शंस में। तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर तब होता है जब किसी भी ट्रांसफर फंक्शंस के डिनोमिनेटर का ऑर्डर जो होगा, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर का, जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, जस्ट फॉर समझाने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, मैंने एक इक्वेशंस को लिखा है, और दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, है ना। मैंने ये इस तरह से दो एक इक्वेशन, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में इक्वेशंस को हमने लिखा है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि ये न्यूमरेटर में जो दिए हुए वैल्यूज हैं उसके आप जो है ना बताइए इसका ऑर्डर कितना है, इस इक्वेशंस का, इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि इस गिवन पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है। तो इस इक्वेशंस को देखने के बाद मैक्सिमम पावर आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम पावर जो है इस इक्वेशंस में 2 है, वो भी एक्स के ऊपर है। तो इसका जो बेसिकली डिग्री जो होगा, यानी कि पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा या कह सकते हैं ऑर्डर जो होगा वो कितना है, 2 है। डिग्री या ऑर्डर क्या बोलेंगे, 2 है। और इस इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे तो कहेंगे हम कि आपको डिग्री या फिर ऑर्डर बताइए इस इक्वेशन का कितना है, तो आप देखेंगे इस इक्वेशंस को गौर से कि कौन से टर्म पे मैक्सिमम पावर है, ज्यादा से ज्यादा पावर कौन से टर्म पे है। तो कहेंगे सर तीसरा एक्स पर पावर क्यूब वाला टर्म पे सबसे ज्यादा पावर है, एक्स पर पावर 3 है, तो इसीलिए ये जो हो जाएगा इसका बेसिकली ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर जो है ये 3 है और यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है। ध्यान से अब बात को समझिएगा कि स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन तब होता है जब ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल से, देन द ट्रांसफर फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली प्रॉपर। जैसे ये जो एग्जांपल हमने दिया है ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है किसके लिए, स्ट्रिक्टली प्रॉपर के लिए, यानी कि ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर के ऑर्डर और न्यूमरेटर का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इन शॉर्ट अगर लिख करके समझना चाहते हैं तो, ठीक है। प्रॉपर कब होगा, प्रॉपर जो होता है वो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के जो बेसिकली ऑर्डर होंगे पॉलिनोमियल्स के वो सेम होंगे तो, ठीक है। और इम्प्रॉपर कब होगा, जब जब डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, तो इस सिचुएशंस में इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर डिनोमिनेटर के ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑर्डर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा डिनोमिनेटर का अगर ज्यादा होगा न्यूमरेटर के कंपैरिजन में तो वो स्ट्रिक्टली प्रॉपर होगा। अगर सिंपल प्रॉपर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। और इम्प्रॉपर के केस में क्या होंगे, यहाँ पर डी इज लेस देन
ऑप्शन होंगे। क्लियरली ये चीज समझ में आ गया। मैं अपने आप को कभी कभी बीच बीच में हाइड कर देता हूं इसलिए क्योंकि आप सभी को क्लियरली बोर्ड पूरा विजिबल होगा, तो मैं हर जगह पूरा बोर्ड पे लिख पाऊंगा इजी वे में। इस वजह से बीच बीच में ऐसे मैं आप सभी को झलक दे दिया करूंगा और आप लोगों को दिखते रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो ये चीजें समझ में आ गया है। इसके बाद लूप आपने समझ लिया है, पिछले यहाँ पर आपने देख लिया कंट्रोल सिस्टम के बारे में। अब देखिए कुछ कुछ बेसिक बेसिक सब बात होता है इसमें, जब बात करते हैं हम लोग बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। ट्रांसफर फंक्शंस को मैं शॉर्टकट में TF लिखूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका ये जो इक्वेशंस होता है लीनियर सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शंस जो होता है सिर्फ और सिर्फ लीनियर सिस्टम पे एलिजिबल होता है, ये वर्क करता है। तो इसका जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है ट्रांसफर फंक्शंस का, इसको आप लोग देख सकते हैं, an एस टू दी पावर n, फिर प्लस में an माइनस वन एस टू दी पावर एन माइनस वन, और प्लस में डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा प्लस में ए वन और एस प्लस ए नॉट और इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस है ट्रांसफर फंक्शंस का। क्लियरली ये चीजें समझ में आ गया। चलिए अब एक हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, हेडिंग देंगे पोल एंड जीरोज ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन। क्या हेडिंग देंगे? पोल एंड जीरोज, जीरोज ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। पोल और जीरोज क्या होगा ट्रांसफर फंक्शंस का, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम लोग CS by RS लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इन सब चीजों से आप पहले ही अवगत हो चुके हैं अच्छे से। तो हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं तो GS इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे K इंटू एस प्लस जेड वन इंटू में एस प्लस जेड टू इंटू में हम लोग ए एस स्क्वायर प्लस में बी एस प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का न्यूमरेटर का वैल्यू, और हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे एस प्लस पी वन, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद लिखेंगे s प्लस पी टू, और इसके बाद एक इक्वेशन लिखेंगे ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ठीक है जी, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली आपका ये जो k इंटू एस प्लस जेड वन है, एस प्लस जेड टू है, तो जो न्यूमरेटर में होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल्स। क्या बोलते हैं? पोल्स। ये चीजें समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर k जो आया है, यहाँ पर k क्या है? तो k जो है वेयर k इज इक्वल टू आप समझ सकते हैं बी एम बाय में है ए एम, बी एम बाय में क्या है ए एन। वेट ए मिनट, इसको इरेज करके मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना सकें और अच्छे से प्रॉपर वे में याद कर सकें। तो के का वैल्यू क्या है? ए एम बी एम बाय ए एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है, पोल और जीरो के केस में भी समझ में आ गया। देखिए पोल के बारे में थोड़ा सा और जस्टिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ, पोल के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हर एक वर्ड में मेरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसीलिए। ठीक है, पोल जो है जीएस का वो दोज वैल्यूज के लिए है जब एस जो होगा, एस का वो वैल्यू के लिए है जो जीएस को क्या करेगा, टेंड्स टू इंफिनिटी बना देगा। यानी कि पोल वो वैल्यू है जो जीएस जीएस टेंड्स टू इंफिनिटी कर देगा, वही वैल्यू जो है पोल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं एस के वो वैल्यू जिसके वजह से जीएस का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, बेसिकली हम लोग कहेंगे पोल कहेंगे। जैसे कि इस इक्वेशंस में देखेंगे कि s इज इक्वल टू नीचे डिनोमिनेटर में, चूंकि हम लोगों का पोल होता है ना, तो इसको हम लोगों को जीरो करना है। डिनोमिनेटर हम लोग जानते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बच्चा वाला कॉन्सेप्ट बता दे, डिनोमिनेटर में अगर कोई भी चीज जीरो आ जाता है और यहाँ पर वन टू कुछ भी रहे, मतलब टू फोर कुछ भी रहे, कोई भी नंबर रहे, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होता है आंसर। क्या ये बात सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। अगर ऊपर में न्यूमरेटर में जीरो रहता है और डिनोमिनेटर में वन रहता है या कुछ भी रहता है तो वो आंसर जीरो आ जाता है। ठीक है, ये बात में कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा,
पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूं क्योंकि ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था, आप सभी को समझाने के लिए था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहां पर पॉइंट पे, यानी कि हम लोग जान गए हैं, अब समझ गए हैं कि डिनोमिनेटर को जीरो करना जरूरी है, और डिनोमिनेटर को जीरो करने के लिए यहां पर अगर अगर हम लोग एस का वैल्यू को माइनस पी पुट कर दें और प्लस पी वन है ये है, तो क्या हो जाएगा, साफ नहीं हो जाएगा, ये पी जीरो हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई, ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, और ये दोनों अगर जीरो हो गया तो जीरो से गुना कर देंगे इस टोटल टर्म को, ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं आप लोग एस का एक वैल्यू कौन सा है आपका प्यारा सा, बेसिकली कौन कौन सा वैल्यू होगा, माइनस पी वन होगा, क्या होगा, माइनस पी वन होगा, ध्यान समझिएगा। तो एस इज इक्वल टू जो होगा माइनस पी वन होगा, है ना। दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, एस इज इक्वल टू माइनस पी टू भी हो सकता है, यानी कि यहां पर भी हम लोग माइनस पी पुट कर देंगे तो ये भी बात सही हो सकता है, हाँ कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और एस का वैल्यू ये तो हो गया हम लोगों का पोल्स का वैल्यू, ठीक है। एस अगर निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ना सिंपल सा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी इज इक्वल टू वाला, पहले डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वहां पर एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो वही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल में हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं फटाफट से वैल्यूज को आराम से, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी, और प्लस माइनस में क्या होगा, अंडर रूट का, अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा फोर ए सी, और बाय में क्या लिख देंगे हम लोग इसको, टू ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू ए लिखेंगे। तो ये था कहानी आपका पोल से रिलेटेड, ठीक है। अब जीरोज का कहानी को सुनते हैं थोड़ा सा, मैं कोशिश करता हूं इसी स्लाइड में आप सभी को समझा सकूं जीरोज का कहानी को भी, लेकिन कलर मैं चेंज करना चाहता हूं, शायद उतना विजिबल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करता हूं मैं दूसरा कलर लेने का, ओके, ताकि आप सभी को विजिबल हो एटलीस्ट। तो जीरोज की अब कहानी लेते हैं, जीरोज, ठीक है, जीरोज क्या होते हैं, चलिए उतना ऊपर तो लिख ही नहीं सकते हैं जीरोज की कहानी के लिए, ठीक है, बार बार यहाँ पर स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगले स्लाइड में ही चलते हैं, और हम लोग येल्लो या फिर जो है नॉर्मल व्हाइट कलर से भी देख सकते हैं। तो अगला स्लाइड में हम लोग जीरोज को देखते हैं, जीरोज के बारे में समझते हैं चीजों को, ठीक है। जीरोज किसको कहेंगे, देखिए जीरोज जो है ना वो दोज वैल्यू है जिससे क्या होगा, जीरोज के दोज वैल्यू जिससे जीएस जो होगा, जीएस टेंड्स टू जीरो हो जाए, जीएस टेंड्स टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। पोल्स के केस में क्या था, पोल्स के केस में था कि जीएस टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जीरोज के केस में क्या है, जीएस टेंड्स टू जीरो, समझ में आ गया बातें। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम लोगों का जीरोज कौन है, ध्यान समझिएगा, न्यूमरेटर को हम लोग जीरोज बोलते हैं, तो यानी कि न्यूमरेटर वाला वैल्यूज को हम लोगों को क्या क्या करना है, जीरोज करना है। न्यूमरेटर के वैल्यू को जीरो कब कर सकते हैं, जब एस का वैल्यू यहाँ पर माइनस जेड पुट करेंगे, एस का वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस जेड, या फिर यहाँ पर माइनस जेड टू पुट करेंगे, तो वही चीज करेंगे हम लोग यहाँ पर कि, तो जीरोज कैसे हो जाएगा, एस वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड वन, और एस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जेड टू हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड पेयर ऑफ द जीरो जेड, पेयर ऑफ द जीरो जो होगा वो कहां पे होगा, एस इज इक्वल टू माइनस बी, और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, फोर ए सी, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस फोर ए सी, और बाय में क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, अब थोड़ा सा प्यार से समझिएगा, कुछ कंडीशंस को मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी बात है लेकिन सुनना है खाली ध्यान से, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से। अगर कोई भी पोल्स जो होगा, जीरोज और पोल्स जो होगा, ठीक है, जब हम लोग एस प्लेन पे बेसिकली इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, किसको, ये जो वैल्यूज आ रहे हैं हम लोगों को जीरोज और पोल्स का, ठीक है, ये तो इक्वेशंस, जस्ट ये तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का हम लोग जीरोज और पोल्स फाइंड कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज वाले रहेंगे, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे एस प्लेन में जब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं वैल्यूज को, तो जब जीरोज और पोल दोनों कोइंसाइड्स करता है, कोइंसाइड्स मतलब एक ही पॉइंट पे आ जाता है, या एक के ऊपर ही जीरोज एंड पोल दोनों बन जाता है, या जीरोज का ये पॉइंट है और यहीं पे पोल्स का भी पॉइंट इसी के ऊपर बन गया, तो इसको कहते हैं कोइंसाइड करना, मतलब दोनों एक ही साथ हो जाता है। तो जब ऐसा होगा तो सच टाइप्स ऑफ केस में हम लोग कहते हैं उसको मल्टीपल पोल और मल्टीपल जीरोज कहते हैं, मतलब
इसको अगर एक पॉइंट बनाकर के लिखेंगे तो लिख लीजिए, ताकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन अगर यहां से बने तो आपसे सॉलिडली बन जाए। लिख लीजिए इफ आइदर पोल और, नोट में फटाफट लिखेंगे, इफ आइदर पोल और जीरोज कोइंसाइड्स, जीरोज कोइंसाइड्स, देन सच टाइप ऑफ पोल्स, देन सच टाइप्स ऑफ पोल्स और जीरोज आर कॉल्ड, और जीरोज आर कॉल्ड मल्टीपल पोल्स और मल्टीपल पोल्स और मल्टीपल जीरोज। मल्टीपल जीरोज अदरवाइज इसको हम लोग सिंपल, अदरवाइज अदरवाइज सिंपल पोल और सिंपल जीरोज कहेंगे इसको, सिंपल पोल और सिंपल जीरोज कहेंगे, सिंपल जीरोज। ठीक है, अच्छा मल्टीपल पोल होता क्यों है? मल्टीपल पोल जो होता है वो बेसिकली, मल्टीपल पोल जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, मल्टीपल पोल्स ये होता क्यों है? मल्टीपल पोल्स होने का रीजन यही है कि रिपीटेटिव फैक्टर्स आ जाता है डिनोमिनेटर का, और मल्टीपल्स जीरोज आर ड्यू टू द रिपीटेटिव फैक्टर्स इन द नोमेटर हो जाता है। यानी कि रिपीटेटिव फैक्टर्स आ जाने की वजह से नोमेटर और डिनोमेटर में जो होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीपल पोल्स हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया ऑफ ट्रांसफर फंक्शन? यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा आप सभी को? किसी भी तरह का डाउट अगर है तो आप लोग चैट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं, इसीलिए लाइव क्लासेस आप सभी के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सब क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल से जस्ट समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस गिवन रहेगा एग्जाम्पल के लिए तो ट्रांसफर फंक्शंस गिवन रहेंगे, जैसे कि जी एस इज इक्वल टू ऐसे रहेगा 50 इंटू में एस प्लस 3 और बाय में रहेगा एस इंटू एस प्लस 2, एस प्लस 2 और इंटू में एस प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये जो है बेसिकली ये है आपका इक्वेशन, मतलब रियल एग्जांपल है इस तरह के ट्रांसफर फंक्शन को, आपको बोल देगा पोल और जीरोज फाइंड करिए, एस प्लेन पे ड्रॉ करिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बट नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं, आप चाहें तो इसको खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एज ए टीचर्स मेरा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आप सभी को पढ़ाऊं वही जो हो आपके एग्जामिनेशन के लिए सही, और इस चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है, आप इसको चाहें तो अपने से साइड में सॉल्व भी कर सकते हैं, एस का वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और इसको ओ प्लेन, बेसिकली इसको एस प्लेन पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव होते हैं हम लोग, एडवांटेजेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस को समझते हैं। ठीक है, एडवांटेजेज क्या है ट्रांसफर फंक्शंस का? जो ट्रांसफर फंक्शंस है ये मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, एडवांटेजेज, एडवांटेजेज, टी ए जी ई एस, एडवांटेजेज। तो एडवांटेजेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस जो होता है ये बेसिकली क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ऑल सिस्टम्स कंपोनेंट्स एंड हेंस ऑफ द ओवरऑल सिस्टम्स एंड देयरफॉर इट गिव्स द गेन ऑफ द सिस्टम। तो ये जो होता है क्या करता है, गेन देता है सिस्टम का, गेन ऑफ द सिस्टम, गेन ऑफ द सिस्टम को देता है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें यूज किया जाता है ताकि ये कन्वर्ट किया जा सके टाइम डोमेन इक्वेशंस को सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में। यानी कि इसमें जो यूज किया जाता है बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म को, इसको लैपलास ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं,
क्यों यूज किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, इसको रीजन को अच्छे से मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बिकॉज टाइम डोमेन में जो आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, टाइम डोमेन में इसको कन्वर्ट किया जा सके इसमें सिंपल अल्जेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में, सिंपल अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, अल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है। और ट्रांसफर फंक्शंस में पोल जीरोज कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इक्वेशंस से डिटरमाइन कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शंस में, तो ये एक एडवांटेजेज है। यानी कि ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोल्स जीरोज, ठीक है, ये सभी चीजों को फाइंड कर सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस अगर गिवन रहेंगे तो, ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस के अंदर आता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज आता है, ये हेल्प करता है स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, तो लिख सकते हैं इट हेल्प्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये क्या करता है, हेल्प करता है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी सिस्टम का, ठीक है। और यहां पर जो होता है ट्रांसफर फंक्शंस जो होता है इसमें नॉन होता है, इसीलिए आउटपुट रिस्पांस किसी भी टाइप का इनपुट का इजी वे में निकाला जा सकता है उसका, जो गिवन इनपुट का, ठीक है, मतलब आउटपुट रिस्पांस फॉर एनी टाइप्स ऑफ इनपुट कैन बी डिटरमाइंड इजीली। तो ट्रांसफर फंक्शंस के केस में जो आउटपुट रिस्पांस जो होता है इसको डिटरमाइन कर सकते हैं इजिली फॉर एनी टाइप्स ऑफ इनपुट, आउटपुट रिस्पांस फॉर एनी टाइप ऑफ इनपुट कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये चीजों को समझ गए, डिटरमाइंड इजिली लिख लीजिए इसको। एक चीज और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑफ द सिस्टम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑफ द सिस्टम ठीक है, यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये सब एडवांटेजेज है आपका ट्रांसफर फंक्शंस का, मैं इस वजह से लिखाता हूं क्योंकि यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने की संभावना है ना, यहां से इस वजह से मैं इसको इतना लिखा देता हूं आप लोगों को डिटेल में। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेज के बारे में, सिंपल सा बात है, डिसएडवांटेज एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा भी, तो डिसएडवांटेज अब हम लोग बात करेंगे। डिसएडवांटेज होता है ट्रांसफर फंक्शंस को कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, सबसे पहला बात तो यही है, तो लिख लीजिए इसको टू द पॉइंट में जैसा बोल रहा हूं, ट्रांसफर फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं क्लास को बताएंगे नॉन लीनियर एलिमेंट कौन कौन से हैं, सिस्टम तो चलिए ठीक है, आप बताएंगे नॉन लीनियर एलिमेंट कौन कौन सा है कमेंट सेक्शंस में, चैट सेक्शंस में, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर लीनियर सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर लीनियर सिस्टम, लीनियर सिस्टम। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन
फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड. फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, तो ये जो है तीन पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक और डिसएडवांटेज है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट बट यू शुड हैव द आइडिया. ठीक है, इनिशियल कंडीशंस लूज देयर इंपॉर्टेंस. लूज देयर इंपॉर्टेंस, तो यहां पर जो है ना इनिशियल कंडीशंस जो होता है वो इसके इंपॉर्टेंस को लूज कर देता है. तो ये चार जो है डिसएडवांटेजेस है आपका ट्रांसफर फंक्शंस के. यहां तक क्लियरली आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए आप लोग फटाफट से बताएंगे. ठीक है, क्या क्या है, पहला पॉइंट को डिफाइन करते हैं. ट्रांसफर फंक्शंस कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर द नॉन लीनियर सिस्टम. ये नॉन लीनियर सिस्टम के लिए डिफाइंड नहीं होता है. ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर लीनियर सिस्टम, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है जो डिफाइंड है ये ओनली फॉर किसके लिए, लीनियर सिस्टम के लिए. तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से आपका बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है थियोरेटिकली, इस वजह से यहाँ पे ये चीजों को लिखाना मैंने जरूरी समझा. फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शंस फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन से. और इनिशियल कंडीशंस लूज देयर इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है बेसिकली आपका डिसएडवांटेजेस के अंदर आता है ट्रांसफर फंक्शंस का. उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा एक नजर डालते हैं हम लोग इंपल्स रिस्पांस पे. इसके बाद हम लोग जो है ना बेसिकली अलग अलग टाइप के नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं उस पर हम लोग नजर डालेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में, ताकि ईजी वे में आप सभी को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ. तो यहाँ पर मैं पहले पेन का कलर को चेंज कर लेता हूँ. अच्छा, स्लाइड भी कम खत्म हो गया है. वेट ए मिनट, आप लोग रहेंगे लाइन पे ही क्योंकि मैं स्लाइड को ऐड करना चाहता हूं. तो वेट ए मिनट, बस चलिए अब हम लोग सफर की फिर से शुरुआत करते हैं. हमने अभी देखा डिसएडवांटेजेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं इंपल्स रिस्पांस के बारे में इंफॉर्मेशन को. क्या होता है इंपल्स रिस्पांस? तो इंपल्स रिस्पांस जो होता है ये एक टाइप का सिग्नल है. क्या है इंपल्स रिस्पांस? ठीक है, आपने एक इक्वेशन अभी GS इज इक्वल टू हम लोगों मेरे साथ लिखा है ट्रांसफर फंक्शंस का फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली. GS इज इक्वल टू आपने बोला कि CS बाय RS सर लिखूंगा मैं. क्या इसी फॉर्मूला से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या CS इज इक्वल टू RS इनटू में GS? कहेंगे बिल्कुल सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम ऐसा लिख सकते हैं. सपोज कर लीजिए कि जो सिस्टम है वो यूनिट इम्पल्स है. क्या है यूनिट इम्पल्स है, यानी कि उसका जो सिग्नल है उसका इम्पल्स जो है वो क्या है यूनिट है. यानी कि अगर यूनिट है, यूनिट मतलब होता है वन, तो यानी कि यहाँ पे आर एस का वैल्यू क्या हम लोग पुट कर देंगे वन. जब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सिस्टम जो है सब्जेक्टेड टू यूनिट इम्पल्स, देन आउटपुट कैसा आएगा? तो कहेंगे आप सर आउटपुट जो आएगा सी एस इज इक्वल टू आएगा जी एस, क्योंकि हमने यूनिट इम्पल्स लिया है और यूनिट का मतलब होता है वन. ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सी एस इज इक्वल टू हो जाएगा जी एस, यानी कि सी एस जो है इक्वल होगा जी एस का. यहां तक तो समझ में आ गया होगा. अब चूंकि लप्लास ट्रांसफर हम लोग यूनिट इम्पल्स का जब निकालते हैं तो वो क्या होता है यूनिटी होता है, देन हम लोग इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म जब इसका निकालेंगे
क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन जो होता है, यूनिट इंपल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है, यानी कि वन होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो चला जाएगा किसमें, टाइम डोमेन में, सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमने इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड किया तब। ठीक है, यहां पर जी टी जो है वो यूनिट इंपल्स है, जी टी जो है ये क्या है, यूनिट इंपल्स। यहां तक तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम लिख सकते हैं, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है जीएस का, उसको हम लोग इंपल्स रिस्पॉन्स बोले, और द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम जो होगा इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स इंपल्स रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है जीएस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम लोगों ने फाइंड किया है अभी, उसको हमने बोला इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि इंपल्स रिस्पॉन्स बोला हमने ऑफ ए सिस्टम या फिर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवेन रहेगा, ध्यान से समझिए क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, बार बार पढ़ के एक ही बात को रिपीट करता हूं इसीलिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए सभी बातें जो भी मैं समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है, देखिए क्या है कि आपका जो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है इंपल्स रिस्पॉन्स होता है, ये जो है ये आपका ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है, और इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो एल होगा सिंपल में, तो ये जो होगा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो हो जाएगा जीएस, और यूनिट इंपल्स का, ठीक है, यूनिट इंपल्स का अगर हम लोग क्या करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल में, ये हम लोगों का क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंपल्स रिस्पॉन्स बोलेंगे। और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम मतलब वाइस वर्सा बोल सकते हैं, अगर इसका हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखें, तो हम लोग इसको डायग्राम बना करके ऐसे समझ सकते हैं इस तरह से कि ये हम लोगों का टाइम हो गया और ये जो हो गया आरटी हो गया। ठीक है, तो ये जीरो है और इस तरह से यहां पर सिग्नल है, ये है ए, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, इंपल्स फंक्शन है। ठीक है, इंपल्स फंक्शन है। ये जस्ट आपका इक्वेशंस का वैल्यूज है। दूसरा इक्वेशन हम लोगों का क्या है, ध्यान से समझिएगा, डेल्टा टी और यहां पर है टी, और यहां पर इस तरह से वैल्यूज जो हैं, ये जो लाइन है बेसिकली मैं जो दिखाना चाह रहा हूं इसको बोलते हैं ये वन है, यानी कि यूनिट है, तो ये यूनिट इंपल्स है, ये डेल्टा टी हो गया, यानी ये यूनिट इंपल्स एज ए टेंस टू जीरो। ठीक है, प्रैक्टिकली ये जो है ना पॉसिबल नहीं होता है टू जनरेट करना ट्रू इंपल्स को। ठीक है, लेकिन पल्स जो होता है ना लेस ड्यूरेशंस के लिए, देन द टाइम कॉन्स्टेंट जब रहता है, तो ऑफ सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज ए इंपल्स एंड डिनोटेड बाई डेल्टा टी, उसको टाइम कॉन्स्टेंट के लिए डिनोट करते हैं डेल्टा टी से इम्पल्स सिग्नल को, लेकिन प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रैक्टिकली इसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है।
ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा। तो ये तो जस्ट आपका एक डायग्राम था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और लप्लास ट्रांसफॉर्म को भी समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बोला है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप सभी के लिए एक नोट्स के रूप में लिख देता हूँ, ताकि आप लोग अपने नोट कॉपी में लिखें तो उसको अच्छे से याद करने में आसानी हो आप लोगों को। तो लिख लीजिएगा देयर फोर, यहाँ पर देयर फोर इनवर्स लप्लास ऑफ जी एस इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स और द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज द लप्लास ट्रांसफॉर्म, इज द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स इंपल्स रिस्पॉन्स, ऑफ इट्स इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए। तो ये था हम लोगों का ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को हम लोगों ने अच्छे से समझने की प्रयास की और हम लोगों ने समझा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। तो एक दो न्यूमेरिकल को करते हैं, जिससे हम लोगों को क्लियरिटी आएगा कि हाँ, इस तरह से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक दो और स्लाइड को लेने होंगे, तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पर फिर से नई स्लाइड को ऐड करता हूँ, चूंकि यहाँ नई नई स्लाइड है नहीं, तो इस वजह से मुझे जो है नए स्लाइड को ऐड करनी होगी। तो वेट ए मिनट, आप लोग रहेंगे लाइन पे ही और आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं इसी स्लाइड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ पहले आप सभी के लिए। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन नेटवर्क, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन नेटवर्क। गिवन नेटवर्क में आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। नेटवर्क आपको गिवन है, एक यहाँ पर आपको रजिस्टर लगा हुआ है ना, और यहाँ पर जो है इंडक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इंडक्टर लगा हुआ है। ये चीज़ तो क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एल इंडक्टर है और ये जो है आर कैपेसिटर है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वी आई वोल्टेज है, यानी इनपुट वोल्टेज है। करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये पहला वाला आपके लिए लूप है और ये दूसरा वाला लूप है ना, बोल सकते हैं। इधर वी आउट है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इस साइड जो है हम लोगों का क्या है, इनपुट है, ठीक है, और इस साइड क्या है, आउटपुट है। क्या है बच्चों? आउटपुट है इस साइड, ठीक है। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर केवीएल को, ठीक है। क्या करेंगे अप्लाई? केवीएल को। तो लिख दीजिए अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, अप्लाई केवीएल इन मेस वन, ठीक है, मेस वन। जब हम लोग इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे मेस ये वाला में, तो कैसे होगा? वी आई वोल्टेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, करंट जो होगा इससे होते हुए ऐसे करके फ्लो करेगा और ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे करके जब जाएगा तो आर आई हो जाएगा, है ना, आर आई प्लस इंडक्टर के अक्रॉस में जब हम लोग लिखते हैं वोल्टेज को, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं,
एल डी आई बाय डी टी, एल डी आई बाय डी टी। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज निकालते हैं तो एल डी आई बाय डी टी लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ही होता है, इसीलिए इंडक्टर के क्रॉस हम लोगों का जब करंट आई क्रॉस करेगा तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी। कोई नया बात नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा इस चीजों को। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और अप्लाई करिए। अब क्या करिए, अप्लाई करिए केवीएल को मेस टू में। तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन मेस टू, मेस टू। तो मेस टू में जब इस साइड आप अप्लाई करेंगे केवीएल को, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसके पोर्ट को, ठीक है, टर्मिनल को, जब इसमें आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है इज इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई बाय में क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी हो जाएगा। यानी कि इसके अक्रॉस में सिंपल में करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, सिर्फ इंडक्टर है, तो एल डी आई बाई डी टी होगा, यानी कि ये इक्वेशन टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन वन एंड टू आया है, इसका हम लोग लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम लोग लेंगे, और जब भी लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो विथ एज्यूम्स दैट ऑल द इनिशियल कंडीशन आर जीरो, मतलब हम लोग मान के चलेंगे इनिशियल कंडीशन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, टेकिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू का जब लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ध्यान से समझिएगा, पहले वन इक्वेशंस का मैं लप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे कि वन इक्वेशंस का भी वन अभी टाइम में है, लेकिन जैसे ही लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो भी आई एस हो जाएगा इज इक्वल टू आर कैपिटल में और आर आई एस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में स्मॉल एस और एल आई और क्या हो जाएगा, सिंपल में एस लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में चल जाएगा। उसी तरह से वी नॉट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सिंपल में एस और एल आई और एस हो जाएगा जब ये चला जाएगा लप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेंगे। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म आपने डिटेल में पढ़ा होगा सिग्नल एंड सिस्टम में, और नहीं पढ़ा है तो अभी फिलहाल बस इस इक्वेशंस के लिए समझिए ऐसा हम लोगों ने लप्लास ट्रांसफॉर्म करके किया है, ठीक है। अब लप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने फाइंड कर लिया है इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड का, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन, मान के चलिए ये इक्वेशन थ्री है और इसको मान लीजिए इक्वेशन फोर है कि नहीं। और आप जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग चूंकि कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द इक्वेशन, और आप बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, यहीं पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है कि नहीं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चा आउटपुट बाय इनपुट। तो भी आउटपुट, आउटपुट क्या है, आउटपुट वोल्टेज भी आउट वोल्टेज, भी आउट बाय एस और क्या हो जाएगा, भी इन बाय एस हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो दोनों के वैल्यूज को पुट कर देंगे तो दोनों का वैल्यूज क्या है, भी नॉट एस का वैल्यूज आया है एस एल आई एस हुआ है और बाय में क्या हुआ है, वी आई एस में यहाँ पे आर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे आई को, करंट को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एस एल, और चूंकि हमने आई एस करंट को क्या किया है बच्चों, कॉमन लिया है, तो इस तरह से ये हम लोगों का आया है क्या, रेशियो के फॉर्मेट में। अब आई एस करंट दोनों में है, यहां पर भी आई एस करंट है और दूसरे जगह पे भी आई एस करेंट है, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं क्या, बहुत ही प्यार से आई एस करेंट को हटा दिए, तो एक्चुअल में क्या आया, वी नॉट बाय वी आई एस जो आया है, वी नॉट एस बाय में वी आई एस जो आया है वो आया है इज इक्वल टू एस एल बाय में आर प्लस एस एल आया है। तो ये जो है हम लोगों का बेसिकली आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो आया है और यही जो है रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, इसी को हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे और हम लोगों ने फाइंड किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको इत्मीनान से आराम से अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा चीजें कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये तो था एक सर्किट का किस तरह से ट्रांसफर फंक्शंस को फाइंड करते हैं, बहुत ही आराम से हम लोग कंट्रोल सिस्टम को पढ़ रहे हैं
और बहुत ही इंजॉय करते हुए पढ़िए, आराम से पढ़िए। कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ देखते चलिए लेक्चर्स को, ठीक है, और फिर भी नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी, तो आप लोग चैट सेक्शन में, डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना डाउट को, ठीक है। उसके लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप सभी बच्चों के लिए, और नहीं तो आप लोग जो है ना देखते चलिए, प्रैक्टिस करते 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 अपने आप समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें ऐसे ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और, जो कि उसमें भी ट्रांसफर फंक्शंस फाइंड करना है, दूसरे टाइप के सर्किट हैं। डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है और उसका ट्रांसफर फंक्शंस फाइंड करना है। थोड़ा सा इस बार इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, इस बार रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं और इसी के सीरीज में हम लोग इंडक्टर को भी जोड़ दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर हमने सोचा कि नहीं इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपेसिटर को भी ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी चीज़ें आप सभी को, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टर एल है और कैपेसिटर सी है, ठीक है जी। और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को हमने रिप्रेजेंट किया है ई आई से, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट से, किससे, ई नॉट से, ठीक है। इसमें हम लोग भी मेस मानेंगे, तो इसमें मान लेते हैं आई वन करेंट फ्लो कर रहा होगा, या सिंपल में आई करेंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। सिंपल में मान लेते हैं आई करेंट फ्लो कर रहा होगा, आई वन को ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं कैलकुलेशंस को, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर पेन से अच्छे से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बोथ मेसेस में KCL KVL को। यहाँ पर दो मेस है, एक ये वाला दूसरा ये वाला, आप लोग जानते ही हैं अभी हम लोग पिछले सर्किट में जो सॉल्व किए हैं उसी तरह से सेम टू सेम डिट्टो करना है। तो स्टेप फर्स्ट में जब हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए, तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL को। तो लिखेंगे आप लोग अप्लाई KVL इन बोथ मेसेस, इन बोथ मेसेस, बोथ मेस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर आई और प्लस में एल डी आई बाय में हो जाएगा डी टी, ठीक है। और प्लस में अगर कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज निकालेंगे तो 1/C जानते हैं इंटीग्रेशन होता है आई डी टी, ठीक है। ये कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब भी हम लोग करंट थ्रू निकालते हैं, मतलब करंट क्रॉस करता है तो वोल्टेज थ्रू द इंडक्टर निकालते हैं, तो एल इज इक्वल मतलब वी इज इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और कैपेसिटर के क्रॉस में निकालते हैं तो ये वी एल हो गया, ये वी सी हो गया, अगर निकालते हैं तो हो जाता है 1/C, इंटीग्रेट कर देते हैं आई डी टी को, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये जस्ट फॉर्मूला होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने इस चीज़ों को पढ़ा होगा, इस चीज का मुझे बहुत भरोसा है, यकीन भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिलहाल आते हैं तो इसको, और दूसरा आप मेस में अगर लगाएंगे KVL तो लिखेंगे ई नॉट इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ इससे आई करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो होगा 1/C हो जाएगा, और इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो आई डी टी हो जाएगा, है कि नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट को एज्यूम किया और इसको हमने इक्वेशन सेकंड एज्यूम किया, और फिर क्या किया था हमने स्टेप टू में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख देंगे यहां पे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो दोनों का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो पहला वाला जो होगा इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा वो, ई आई एस इज इक्वल टू आर आई एस प्लस में एस एल आई एस, ठीक है, और प्लस में 1/CS आई एस इज इक्वल टू आई एस को कॉमन ले लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, R प्लस में एस एल, ठीक है, और प्लस में 1/CS, ठीक है, जब हम लोग कॉमन लेंगे तो। इसी तरह से हम लोग दूसरा इक्वेशंस का भी जब हम लोग लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ई नॉट एस हो जाएगा इज इक्वल टू आई एस कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या बच्चों, मतलब वही टर्म को मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर कॉमन लेकर के, वेट ए मिनट, ये ई आई एस ही है, इसको मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आर सी एस लिख सकते हैं, फिर प्लस में एस स्क्वायर एल सी हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। सिंपल में हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन वाला एडिशन जो होता है वो किए हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने का चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लिख लेंगे ई नॉट एस को, तो ई नॉट एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/CS, ठीक है, और आई एस हो गया। जस्ट हमको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, आउटपुट बाय इनपुट जानते ही हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है तो आई थिंक अगर लिखेंगे तो हॉच पॉच ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, अगले स्लाइड में लिख देते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आप लोग भी जानते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट में ई नॉट एस और बाय में क्या हो जाएगा, इनपुट में ई आई एस, ठीक है। जस्ट वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, तो आई एस और बाय में क्या हो जाएगा बच्चों, सी एस, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, पुट करेंगे वैल्यूज को तो सी एस, और बाय में क्या हो जाएगा, आई एस और इनटू में एस स्क्वायर एल सी, एल सी प्लस में एस आर सी और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें यहां तक स्पष्ट रूप से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर एक स्टेप और आगे मूव करें तो ई नॉट एस बाय में हो जाएगा ई वन एस, ठीक है, मतलब ई आई एस इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा, सी एस खत्म और आई एस खत्म, उच्च ऊपर में सिर्फ बचा 1, इसीलिए 1 बाय, और ये सिर्फ ब्रैकेट वाला चीजें बच गया, तो प्लस 1 हम लोगों ने लिख दिया। तो ये हम लोगों का जो आया है, ये आया है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड करते हैं, उम्मीद करते हैं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। तो हम लोगों ने सीखा आज के इस एपिसोड में कंप्लीट रूप से किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन को हम लोगों ने सीखा। तो इसको अब आप लोग रिवाइज करिएगा, नोट्स में अपना लिख लीजिएगा, और टिल योर एग्जामिनेशन, जब तक का कि आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाते तब तक इसको आप रिविजन करिएगा। प्रोसेस समझिए आप किस तरह से ट्रांसफर फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, जो कि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा बहुत हल्का फल्का आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला वगैरह सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये एपिसोड जो है पसंद आया होगा, आप लोग चैट सेक्शंस में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड, ठीक है, और अगर मजा आ रहा है पढ़ करके तो वो भी बताएंगे, और अच्छे से आप लोग चैनल को, अच्छा ये तो आप लोग पेड बैच पे हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आदत है थोड़ा सा फ्लो फ्लो में निकल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है उसको बोलना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप लोग प्रॉपर वे में रिवीजन करिएगा, ठीक है। टिल योर एग्जामिनेशन, कंट्रोल सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जामिनेशन में, बहुत ही मन से आप रिवीजन करते चलिए मेरे साथ।
ठीक है, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।